हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू बेस्ट एजुकेशन क्लासेस तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर प्रेपोजिशंस सो प्रेपोजिशन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है एंड प्रेपोजिशन का फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि प्रपोजिशन क्या होता है उसका किसी सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है एंड हम कैसे प्रपोजिशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज वेल एज़ प्रॉपर प्रपोजिशन हम अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करेंगे प्रपोजिशन क्या होता है सो अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन अनदर वर्ड एंड द नाउन द फ्रेज और द प्रोनाउन दैट फॉलोज इट तो किसी भी सेंटेंस में प्रपोजिशन जो होता है वो दिखाता है कि कैसे हमारा नाउन या प्रोनाउन उस पर्टिकुलर सेंटेंस में उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कहाँ किस पोजीशन पे रिलाई करता है फॉर एग्जाम्पल आई रोट टू अमया तो यहाँ पर टू वर्ड जो है दैट इज़ प्रपोजिशन एंड प्रपोजिशन शो क्या कर रहा है कि वो जो लेटर है वो टू यानी कि उसके द्वारा लिखा गया था आई के द्वारा लिखा गया था अमया को ऐसे ही एग्जाम्पल स्टूडेंट्स सपोज आप अपने क्लासरूम में बैठते हो तो आप बैठते हो बेंच पे तो आप सेंटेंस क्या बोलोगे आई एम सिटिंग ऑन द बेंच आप वहाँ पर ऑन वर्ड को यूज़ करोगे जो कि दर्शाएगा कि आप उसके ऊपर बैठे हो ऑन बैठे हो सिंपली अगर हम यहाँ पर इसी सेंटेंस में दूसरा प्रपोजिशन यूज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम सिटिंग इन द बेंच तो इन यानी कि मीनिंग उसका कुछ और हो जाएगा यानी आपकी जो पोजिशन थी आपका जो रिलेशन है सेंटेंस में वो चेंज हो गया सिमिलरली अगर मैं दूसरा प्रपोजिशन यूज़ करता हूँ तो देखो आपका सिचुएशन आपका पोजिशन कितना चेंज हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग अंडर द बेंच तो यहाँ ऑन पे यानी कि आप ऊपर बैठे हो अंडर हो जाएगा यानी कि उसके आप नीचे बैठे हो दैट मीन्स हमने सिर्फ एक वर्ड चेंज किया एक प्रपोजिशन चेंज किया बट आपका जो पोजिशन था उस सेंटेंस में आपका जो रिलेशन था उस सेंटेंस के साथ में उस पर्टिकुलर सिचुएशन में दैट इज बिन एंटायरली चेंज्ड कुछ एग्जाम्पल्स दिया है यहाँ पर विथ एक्सप्लेनेशन तो हम वन बाय वन उसको देखेंगे सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं एंड फिर स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एक्टिविटी में जाएंगे जहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रपोजिशंस इन दिस सो देखते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल तो हमने देख लिया है सेकेंड एग्जाम्पल देखो आई रोट टू द चीफ इंजीनियर अगेन टू वर्ड जो है वो दिखा रहा है रिलेशन बिटवीन रोट एंड चीफ इंजीनियर यानी कि वो लेटर उसको लिखा गया था आई रोट अबाउट हिम उसके बारे में लिखा गया था अबाउट क्या शो कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ब रोट एंड द प्रनाउन हिम यानी कि उसके बारे में लिखा गया था किसके बारे में हिम के बारे में फोर्थ एग्जाम्पल वी विजिटेड द गेट वे ऑफ इंडिया तो ये गेट वे किसका है ऑफ इंडिया का है राइट right? इंडिया का है वो फिफ्थ एग्जाम्पल वी रीच्ड राइट ऑन टाइम ऑन टाइम यानी कि समय पर एवरी वन इंक्लूडिंग द किंग स्टूड अप इंक्लूडिंग यानी कि राजा को भी लेकर इंक्लूडिंग ओके सो नाउ बिफोर गोइंग टू द एक्टिविटी मैं आपको एक छोटा सा एक डायग्राम दिखाता हूँ विच विल फर्दर हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि प्रिपोजिशंस हमारे सेंटेंस में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल और एक अच्छा कंडीशनिंग देने के लिए सो किड्स आज यू कैन सी इन दिस डाइग्राम देर इज़ अ बॉल एंड अ बॉक्स बीन यूज तो हम देखते हैं कैसे हम इस बॉल और बॉक्स के थ्रू प्रिपोजिशंस को स्टडी कर सकते हैं सो so चलो फर्स्ट हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में राइट right कॉर्नर पे तो हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे इसके साथ में और इसका मीनिंग समझते जाएंगे कि कैसे एक प्रिपोजिशन चेंज करने से सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कि नाउन प्रोनाउन है उसका रिलेशन उसका पोजिशन एंटायरली चेंज होता है द बॉल इज इन इनसाइड द बॉक्स यानी कि वो कहाँ पर है इन साइड द बॉक्स है द बॉल इज ऑन द बॉक्स इट इज ऑन द बॉल इज एट द बॉक्स कि बॉक्स के पास में है द बॉल इज नियर द बॉक्स द बॉल इज अंडर द बॉक्स द बॉल इज ओवर द बॉक्स ओवर कब होगा कि जब बॉक्स और बॉल के बीच में एक सर्टन डिस्टेंस होगा तब सिमिलरली द बॉल इज बिलो द बॉक्स द बॉल इज अबाव द बॉक्स यहां डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है नाउ नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर के बॉल्स है जो हमारे रेड बॉल को सराउंड किए हैं तो वी कैन फ्रेम द सेंटेंस एज इफ द बॉल द ब्लैक बॉल इज अराउंड द रेड बॉल द बॉल वेंट थ्रू थ्रू यानी कि किसी चीज के बीच में से जाना द बॉल वेंट थ्रू द पाइप अमोंग यहां पर सराउंड नहीं किया है वो बस उसके साथ में मिक्सअप हो गया है सो so, अमोंग नाउन हम वहाँ यूज करते हैं अब यहाँ पर देखो दो बॉल हैं एंड उन दो बॉल के बीच में हमारा रेड बॉल है तो वी कैन फ्रेम द सेंटेंस एज इफ द रेड बॉल इज बिटवीन द ब्लैक बॉल बिहाइंड यानी कि पीछे इन फ्रंट यानी कि सामने अलोंग द बॉल वेंट अलोंग द स्ट्रीट द बॉल वेंट अक्रॉस द स्ट्रीट यानी कि उस स्ट्रीट को क्रॉस करके गया है अलोंग यानी कि उसके साथ गया है अप डाउन अपोजिट द बॉल्स आर अपोजिट टू इच अदर द बॉल वेंट इन टू द बॉक्स द बॉल वेंट आउट ऑफ द बॉक्स द बॉल वेंट आउट ऑफ द बॉक्स एंड लास्ट देखो दो बॉल्स है यहां पर तो दे आर गोइंग टूवर्ड्स इच अदर इच अदर सो दिस वॉज सम प्रपोजिशंस एंड स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए कि ये वीडियो जो हमने बनाया है ये फिफ्थ स्टैंडर्ड टू एथ स्टैंडर्ड को कंसिडर करके बनाया है हायर स्टैंडर्ड का जब हम वीडियोज बनाएंगे ग्रामर का तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सा प्रपोजिशंस कौन से पर्टिकुलर थिंग के लिए यानी कि टाइम के लिए प्लेस के लिए यूज़ होता है सो लेट्स अगेन मूव टूवर्ड्स द एक्टिविटी एक्सरसाइज जिसमें हम प्रपोजिशंस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे so here's the exercise the activity he was unkindly treated by, by par preposition hai, many of the villages to believe is to see angels dancing among the clouds activity may be among word ko. so among the clouds through an open window through स्टूडेंट्स थ्रू जो होता है वो हम कब यूज करते हैं सपोज कहीं पर कोई थ्री डी स्पेस है उसमें से आने जाने का पैसेज है या पैसेज ना भी हो तो उसके आर पर अगर कोई चीज़ जाती है दैट इज थ्रू आई कैन सी विमिन एट अ टेबल यानी कि टेबल पर ऑल आर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन आर रीच विद इन रीच आई एम ऑन माई वे टू लंडन टू फाइंड माई फॉर्चू सो अगेन यहाँ पर टू जो है दैट इज प्रिपोजिशन दे अराइव्ड इन लंडन जस्ट बिफोर नाइट फॉल तो इन एंड बिफोर ये दोनों भी प्रिपोजिशंस हैं जस्ट मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा सेल्फ रीडिंग करिए एंड तब तक की मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट सेक्शन में जाकर हमें आपके और भी एजुकेशनल डिमांड्स बताते रहिए वीडियो में हम क्या नया सजेशन कर सकते हैं क्या नया ऐड कर सकते हैं आप प्लीज़ हमें सजेशन दें ओके एग्जाम्पल नंबर एट एट नाइट दे स्क्रैम्पल ऑल ओवर हिम एट एंड ओवर है इसमें एवरी वन प्रोड्यूस समथिंग एक्सेप्ट डिक समथिंग आई विश आई वर अ गार्डनर विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग विथ एंड फ्रॉम सो दिज आर द एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप इसे पॉज करके रीड कर लें मैं ट्राई कर रहा हूं कि वीडियो में थोड़ा शॉर्ट रखू सो दैट आप ज्यादा अच्छे से देख सकें समझ सकें एग्जाम्पल्स में ऑल द प्रिपोजिशंस आर बींग अंडरलाइंड सो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड So stay tuned with the channel for more such videos. Thanks for watching.